हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 5 दिसंबर 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल्स में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें जो है देखने मिला है एक पॉजिटिव मोमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2% की पॉजिटिव क्लोजिंग है। क्लोजिंग यहाँ पे 48.71.45 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मोमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, मतलब मंडे के दिन क्या हो सकता है, जरूर जो हमारे ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे मंडे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। कि मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से ज्यादा हमें वॉल्यूम जो देखने मिला कैंडल मीडियम टू लार्ज साइज की बिना दोनों के समय छोटी छोटी एक तरह से हमें विक भी जो देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की, आरएसआई हमारा 68-69 के आसपास जो आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें। तब अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक नेगेटिव मोमेंट का। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ स्टॉक थोड़ा सा हमें गिरते हुए देखने मिलेगा 48.11 के आसपास। अगर उसको स्टॉक क्रॉस करते हुए गया तो स्टॉक में डाउनसाइड जो है 47.19 के आसपास जाते हुए देखने मिल सकते हैं। थोड़ा सा स्टॉक में आप जरूर कॉशियसली काम करें। बाकी यहाँ पे क्योंकि स्टॉक में ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव, मैं यहाँ पे आपको जरूर रेकमेंड करूंगा जितना हो सके इंट्राडे में बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो आपके फेवर में होगा वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना है। यहाँ पे मैं आपको जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल है वो भी बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी तो स्टॉक 46.29 के आसपास आए जरूर आप वहाँ पे बाइंग करें। 5-8% का आपको इजीली अपसाइड मूव जो है देखने मिल जाएगा 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर। अगर स्लो मूवमेंट हुआ तो, अगर फास्ट हुआ तो यहाँ पे आपको 5 दिन के अंदर भी जो देखने मिल सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बाइंग के लिए देख रहे हो तो करंट प्राइस में आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। स्टॉक को मैं यहाँ पे अगर कहूँ तो 44.24 के आसपास या फिर उससे थोड़ा नीचे आते हुए देखने का यहाँ पे जो थोड़ा सा वेट करें, जरूर आपको थोड़ा सा स्टॉक जो है पुल बैक देगा, वहाँ पे आप जरूर जो है बाइंग कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फिर यहाँ पे लेवल्स भी जो है वो बन जाएगा बाइंग के लिए। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें, वन आर के चार्ट में वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। ऑलरेडी सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन सारे के सारे यहाँ पे जो है वो मार्क्ड है। तो यहाँ पे हमें फिलहाल कोई मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं बात करता हूँ इसके क्लोजिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 48.71 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 48.44 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 48.88 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कन्फर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ।
यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट किया था, अगला सपोर्ट आता है 4819 का, उसके बाद का आता है 4800 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 4915 का, उसके बाद का आता है 4942 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताया है, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो है, मतलब यहाँ पे मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर है नेगेटिव मोमेंट का, एक यहाँ पे थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग के बाद स्टॉक हमें गिरते हुए देखने मिल सकते हैं। 4819 से लेके 4844 के रेंज में हमारी क्लोजिंग की भी जो एक्सपेक्टेशन है, तो ओवरऑल स्टॉक यहाँ पे हमें जो गिरते हुए देखने मिल सकता है। तो थोड़ा सा स्टॉक में आप जरूर जो है कॉशियसली काम करें मंडे के दिन। बाकी आपको क्या लगता है मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।